क्या सीरियल अनुपमा के सेट पर हो रही है गुटबाजी? क्या वाकई में चल रही है सुधांशु और रूपाली के बीच कोल्ड वॉर? वेल, आखिर क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। स्टार प्लस का पॉपुलर शो अनुपमा टीवी के टॉप शोज में से एक है। इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन के चलते कुछ ही दिन में ये शो सभी का फेवरेट बन गया। इस शो में रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे जैसे कलाकार अहम रोल अदा करते हैं। शो से जुड़ा हर एक शख्स जमकर मेहनत करता है और अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए ये टीम दिन रात शूटिंग करती रहती है। लेकिन इन सब के बीच खबरें आ रही हैं कि अनुपमा के लीड कलाकारों के बीच कुछ ठीक नहीं है। पिंक विला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुपमा के सेट पर इन दिनों रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे के बीच जमकर कोल्ड वॉर चल रहा है। ऐसी भी खबरें हैं कि अनुपमा के सेट पर अब गुटबाजी भी होने लगी है। एक ग्रुप में सुधांशु पांडे, मदलशाह शर्मा, पारस खलनावत और अनघा भोसले हैं, तो दूसरे ग्रुप में रूपाली गांगुली, अल्पना बुच, आशीष मेहरोत्रा और मुस्कान बामने हैं। हाल ही में अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो रिलीज हुआ था और इसे शेयर करते हुए सुधांशु पांडे ने सोशल मीडिया पर रूपाली गांगुली को टैग ही नहीं किया था। फिलहाल के लिए अभी इस शो से जुड़े किसी भी कलाकार ने इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन सभी फैंस यही जानना चाहते हैं कि ये खबर सही है या गलत। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।